बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हिंदी में अच्छी हैंडराइटिंग में, यानी कि हिंदी का सुलेख कैसे लिखना है। सुलेख मतलब अच्छी हैंडराइटिंग। अब जैसे मैंने लिखा है, मेरा नाम सुधा है, इसमें हमने लाइन से नीचे लिखा है, और देखो ये पूरा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि इसको टच करे दूसरी लाइन को, और दोनों के बीच में कम से कम हम ऑलमोस्ट एक फिंगर का गैप डालते हैं। दो शब्दों के बीच में एक फिंगर का ऑलमोस्ट गैप है। मेरा नाम सुधा है, जैसे मुझे लिखना आ गया, मुझे बच्चों, अब देखो मुझे बच्चों, इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे खाना बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। अब देखो इसमें मैंने इनके बीच में गैप डाला है। अब इसमें मात्रा ये लाइन को टच कर रही है, पर जो अक्षर है वो ऊपर है, इस दूसरी वाली लाइन से ऊपर है, और दोनों लाइन्स में हमने एक लाइन को छोड़ा है, तो इससे क्लैरिटी बनी रहती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें इसी तरह से लिखना चाहिए, पर जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लाइन्स छोड़ना हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, तो फिर हमें थोड़ा इससे भी छोटा लिखना चाहिए। कैसे लिखेंगे, मैं आज बाजार जा रही हूँ, क्या, अब मैं इसमें लाइन नहीं छोड़ रही, क्या तुम्हें, अब देखो मैंने कैसे लिखा है, अक्षर जो ये और ये टकराने नहीं चाहिए, क्या तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना है। अब देखो मैंने यहाँ पूर्ण विराम डाला जबकि गलत है, पूर्ण विराम नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या वाला है तो हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क डालना है, जो क्या वाले होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क डालते हैं। क्या तुम्हें बाजार से कुछ मंगवाना है आज, मंगल, अब ये जो जा का बिंदी है और ये मंगलवार की है, आज मंगलवार है परंतु हमारे घर के पास की मार्केट, अब मार्केट कैसे लिखेंगे, माँ क पे छोटी की मात्रा, इसके ऊपर र, ट आधा र, मेरे घर की मार्केट की कुछ दुकानें आज
भी खुली हुई है। इस तरह से आप देखो कि अक्षर जो है आपस में टकराने नहीं चाहिए, या एक लाइन छोड़ के लिखो, और जब एक फिंगर का गैप डालते हैं तो और सुंदर लगता है। अब मैं इसको थोड़ा और खुला लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं कल दिल्ली जाऊंगी, अब देखो इसमें मैंने ज़्यादा गैप छोड़ा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, चलोगी? अब देख रहे हो मैंने इसमें ज़्यादा गैप छोड़ा, जितना हम गैप छोड़ेंगे उतना हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलने में बहुत अच्छा लगेगा। मेरे हाथ में कैमरा है तो ज़रा पेपर नहीं पकड़ पा रही, मैं होल्ड करने, लास्ट लाइन है ना तो पकड़ के थोड़ा अच्छा लिखता है। तो इस तरह से देखो ये थोड़ा खुला है, तो मुझे लगता है कि इन सब में या तो हमें ऐसे लिखना चाहिए, अगर टाइट लिखना है तो अक्षर तब भी एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए, पर सबसे बेस्ट हैंड राइटिंग ये है। तो अब आप देखो आपको कैसे लिखना चाहिए, या तो एक लाइन छोड़ के लिखो खुला खुला, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं जैसे जैसे टीचर्स ज़्यादातर उनको या स्पेक्स लगी होती है या जितना क्लियर पेपर होता है उनको बड़े आराम से दिखता है, चेक करने में मज़ा आता है, पढ़ने वाले को हमेशा अच्छी हैंड राइटिंग में पढ़ने को मज़ा आता है। तो हमें आदत बनानी चाहिए अच्छी हैंड राइटिंग में काम करने की। तो आई होप सो आपने मेरी हैंड राइटिंग की जो टिप्स हैं उसको ख्याल से देखा होगा। अक्षरों में एक वन फिंगर गैप, एक दूसरे से ऊपर नीचे की लाइन के अक्षर टकराने नहीं चाहिए। जैसे ऊ की मात्रा है वो नीचे की लाइन तक आ सकती है, वैसे वो भी थोड़ी ऊपर तक होनी चाहिए, ये बिल्कुल यहाँ तक टच नहीं करने चाहिए नीचे तक, और गैप हो और टच ना करें तो हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। ओके, बाय बाय।